स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त की बड़ी अपडेट की बात करें तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशा मार्लेना के घर पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने रविवार को सुबह सुबह दस्तक दी, जहां हालांकि आतिशी अपने आवास पर नहीं थी। ऐसे में क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के न मिलने पर इनके घर बाहर ही जो है कुछ ही दूरी पर उनका इंतजार करती रही। इसके बाद दोपहर में क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर आतिशी मार्लेना के घर पहुंची और उनके स्टाफ को नोटिस थमाकर वहां से लौट गई। दरअसल आतिशी मार्लेना और सीएम अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी और इसी के तहत क्राइम ब्रांच के एसीपी रविवार सुबह खुद आतिशी मार्लेना के घर नोटिस थमाने पहुंचे। इस बीच एक पुलिस सूत्र ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से 3 दिन में नोटिस का जवाब मांगा है। सूत्रों ने बताया कि टीम ने सीएम केजरीवाल से भी इस मामले में सबूत भी देने को कहा है। क्राइम ब्रांच ने नोटिस में लिखा है कि आपके ट्वीट से ये प्रतीत होता है कि आपके पास संगे अपराध से जुड़े साक्ष्य और जानकारी मौजूद है, कृपया जानकारी और जवाब 5 फरवरी तक क्राइम ब्रांच को सौंपे। इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम इस मामले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को भी सीएम केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के आधिकारिक आवास पर पहुंची थी, हालांकि उन्हें तब सफलता नहीं मिली थी। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस आपके दोनों नेताओं को नोटिस नहीं सौंप सकी। ये था अब तक का अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और वॉइस ऑफ एमपी पर। शुक्रिया।